हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NIFT NRI 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, निफ्ट NRI 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इनकेस और कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। आपको सिंपली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जो अपना नाम है एंटर कर देना होगा, आपका जो भी नाम है, आपको आप लोगों को जो अपना नाम जो है यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईयर, फिर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट जो है वापस से री एंटर करनी होगी। तो 6 December 2000 यहाँ पे मैं फिर से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक NRI या फॉरेन नेशनल, जो भी आप वो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को जो है अपनी ईमेल आईडी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे sagarkumarprofile@gmail.com यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद गाइस, आपको अगेन यहाँ पे जो है री एंटर करनी है अपनी ईमेल आईडी। प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर लेना है, फॉर अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप चाहे। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, आपको जो है BA मीन्स बैचलर ऑफ डिज़ाइन या FTech, तो यहाँ पे मैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली जो है येस कर लेना है दोनों चीज़ को, और यहाँ पे जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे आप जो रजिस्टर्ड हो चुके हो सक्सेसफुली, और साथ ही साथ आप जो अपनी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यूज़ करके आप जो डायरेक्टली जो लॉगिन भी कर सकते हैं। तो अब जो हम रजिस्टर हो चुके, अब आगे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो स्टेप पे हम जाते हैं। तो सिंपली प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे गाइस, आपकी जो ईमेल आईडी थी वो एंटर कर देनी होगी। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो आपको चार स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है, और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है। तो चारों चीज़ करने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, जो कि है एप्लीकेशन फिल करने का। तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम चॉइस सेलेक्ट कर लेना है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफरेंस यहाँ पे मैं बैंगलोर फैशन डिजाइनिंग ले लेता हूँ। सेकंड यहाँ पे मैं चेन्नई फैशन डिजाइनिंग जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह से गाइस, आपके जितने भी आप जो चाहे वो आप यहाँ पे जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आप चाहे वो डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं जस्ट फॉर आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर के लिए, सैम्पल के लिए यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन आपको जो है एज इट इज़ जो आप चाहते हैं वो आपको करना है, जो आपके चॉइसेस है वही कैंपस और वही प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट किया, आप चाहे तो 10 पूरे कर सकते हैं, जितना आप चाहे उतना आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, शिलोंग एसेसरी डिज़ाइनिंग हो गया, फिर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे जो है दिल्ली में आप देख सकते हैं दिल्ली जो है यहाँ पे लेदर डिज़ाइन हो गया। जो भी आप चॉइसेस चाहे, जितनी भी आपकी चॉइसेस, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड है, यहाँ पे आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 6 में भी सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे श्रीनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होगी, पर्सनल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल आपको क्या फिल करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपने मदर यानी कि माताजी का नाम, उसके बाद जो है गाइस फादर यानी कि पिताजी का नाम एंटर करना होगा। जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है वो नेशनलिटी आपको यहाँ पे जो है लिख देनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं, तो सिंपली येस एंड नो में आपको जो है आंसर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना होगा, जो सिटी है वो सिटी एंटर कर देनी है, आपका जो भी पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर वाला। अब यहाँ पे अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक करना होगा, आपका एड्रेस अपने आप आ जाएगा। और अगर अलग है तो आप खुद मैनुअली भी यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना, देन आपको और इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बारी आती है। सो क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 तो वो सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेटस के आपके एग्जामिनेशन का पास्ट या अपियरिंग तो पास सेलेक्ट कर लेना, अगर आप पास्ट हो या फिर अपियरिंग, अगर आप अपियरिंग हो तो। फिर उसके बाद आपने SAT के लिए रजिस्टर किया है तो येस या नो आपको सिंपली जो है वो कर देना होगा। SAT का अपियर्ड हो या फिर अपियरिंग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो यहाँ पे
यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेना होगा अगर वेट कर रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता कहाँ से चला इस जो है मीन्स निफ्ट NRI के बारे में, तो आपको सिंपली जहाँ से भी पता चला हो वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके सिंपली आई हियर बाय पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अगर आपसे कुछ चीज़ ब्लैंक छूट गई तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपने जो है मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ब्लैंक छूटने की वजह से यहाँ पे जो सेव नहीं हो रहा था। फिर जैसे आप शूट करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स हमने जो है यहाँ पे फिल नहीं की है, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड जो नंबर था वो हमने नहीं फिल किया, इसलिए वजह से यहाँ पे जो इशू बता रहा था। तो कैसे आपको चेक कर लेना पूरी डिटेल्स आपने बरोबर फिल की हो, और पूरी डिटेल्स अगर आपने जो है बरोबर जो है अगर की होगी मीन्स पूरी डिटेल्स आपको जो भी फिल करना था हर एक डिटेल फिल आपने बरोबर की होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा, आप आसानी से जो अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस पूरी डिटेल्स करेक्टली चेक करना होगा, हर एक चीज सही फिल करके सिंपली आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंटर रजिस्टर्ड नंबर स्टूडेंट आईडी। सो गाइस यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर और स्टूडेंट आईडी नंबर है जो हमने एंटर नहीं किया था, क्योंकि गाइस ये जो मैं सैंपल के लिए आप लोग को बता रहा हूँ मेरे पास जो है वैलिड डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन आपको मैंने कहा था जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या प्रोसेस है, तो इस तरह से आपको जो आपके जो नॉर्मल जो फर्स्ट स्टेप्स है यानी कि सारी के सारी डिटेल्स फिल करने का, सेकंड आपको जो डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फर्स्ट स्टेप गाइस आपको मैंने बताया था किस तरह से आप कर सकते हैं, सेकंड स्टेप गाइस आपका जो आप सिंपली आपको जो आपका फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे आसानी से अपलोड हो जाएंगे। देन सिंपली पेमेंट करना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, निफ्ट NRI का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा आसान था, आप जो है आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इनके फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है और कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है गाइस तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।